हेल्दी ईटिंग महीने से ज्यादा हो रिम असल क्या हाल है आप सब के उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और जी मैंने पिछले व्लाग में आपको बताया था कि अगले चार पाँच दिन जो है वो मुस्तकिल बारिश के हैं तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूँ आपको भी देख के बड़ा मज़ा आएगा और जी पूरा दिन बारिश होती रही और बहुत ही अच्छा मज़ेदार सा मौसम हुआ हुआ है सर्दी है मगर इतनी नहीं है और जी ये आप लोग कह रहे होंगे कि क्या है तो देखिए रमज़ान में मैंने आपके साथ एक चीज़ शेयर की थी कि रोज़ जो है वो अपने लिए सदका निकाला करें रमज़ान चला गया है लेकिन सदका निकालना बिल्कुल मत भूला करें इसको अपनी आदत बना लें ठीक है और जी आज हम बनाएंगे बड़ी ही ज़बरदस्त और मज़ेदार किस्म की जो है वो चिकन कढ़ाई और जी चिकन कढ़ाई तो हम बहुत बनाते हैं और हर वक्त ही बनाते हैं आपको पता ही है तो जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं और उनकी सारी लिस्ट जो है वो आपके सामने स्क्रीन पे है तो इसलिए आपको बिल्कुल भी किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी और इन इंग्रेडिएंट्स को आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट और अपने चॉइस के हिसाब से कर सकते हैं इसमें मैंने एक टेबल स्पून जो है वो कढ़ाई मसाला भी डाला है अगर आप नहीं डालेंगे तो भी बहुत अच्छे तरीके से काम चलेगा यहाँ पे जो है वो मैंने चिकन को फ्राई होने के लिए रख दिया है हमेशा मैं जब भी चिकन बनाती हूँ तेज़ आंच पे जो है वो चिकन को फ़्राई कर लेती हूँ ताकि उसका पानी ड्राई हो जाए जल्द से जल्द वरना चिकन आपको पता है बहुत जल्दी गल जाता है और फिर टूटने लगता है तो जब तक चिकन का पानी ड्राई हो रहा है यहाँ पे जो है वो मैंने टमाटरों को प्योरी कर लिया इससे पहले जितनी दफ़ा भी मैंने कढ़ाई की रेसिपी दी है उसमें हमेशा टमाटर को मैं हाफ्स में काट के रखती हूँ लेकिन जब आप ज़्यादा में बना रहे हो तो फिर उसके बाद टमाटर का छिलका उतारना ढूंढ ढूंढ के और फिर उनको मैश करना ये ज़रा एक काम हो जाता है तो आपको पता है कि लंबे कामों से मैं बहुत अवॉइड करती हूँ तो जैसे ही चिकन अच्छी तरह से फ़्राई हो गया उसके अंदर मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट और सारे मसाले डाल दिए हैं मैं इस वक्त दो चिकन की कढ़ाई बना रही हूँ क्योंकि मैंने शाम को जाना है एक वनडे पार्टी में और उसके लिए मैं कढ़ाई बनाने की तैयारी कर रही हूँ लेकिन जो मैंने आपको तरकीब दी है वो एक किलो चिकन की है और बाहर देखें कितना ज़बरदस्त मौसम हो रहा है यानी बारिश भी हो ना तो लोग अपने काम से और इन्जॉयमेंट से रुकते नहीं हैं चिकन कढ़ाई में अमूमन प्याज नहीं जाता लेकिन जब आप बड़ी गैदरिंग के लिए चिकन कढ़ाई बनाते हैं तो आपने नोट किया कि लोग चम्मच मार मार के ना डोंगे के अंदर ढूंढ रहे होते हैं कि कहीं से मसाला मिल जाए तो कैसे मिलेगा अगर आपने उसमें प्याज नहीं डाला हुआ तो मैं हर हालत में जो है वो बड़ी गैदरिंग्स के लिए जब भी बनाती हूँ चिकन कढ़ाई उसमें प्याज ज़रूर डालती हूँ तो आपके पास अगर फ्राइड प्याज नहीं है तो आप एक से दो प्याज़ जो है वो फ्राई कर लीजिए और शामिल कर दीजिए और जैसे ही जो सारे मसाले भुन जाएं आपने प्याज भी शामिल कर दिया है इसके अंदर आपने टमाटर की प्योरी डाल दी और कुछ टमाटर जो है वो मैंने इस तरह से डाले थे ताकि मैं शो कर सकूं कि अगर ये 20 टमाटर होते हैं जिनके आपने ढूंढ ढूंढ के स्किन उतारनी है तो आपको काफ़ी टाइम लग जाता है क्योंकि अब आप आपने इनको मैश भी करना है तो इस वजह से जो है जिनको टमाटर के चंक्स अच्छे लगते हैं वो चार पाँच टमाटर इस तरह से डाल दें और बाकी सारे पीसीस का जो है वो अच्छी तरह से प्योरी कर लीजिए जब भी बड़ी गैदरिंग के लिए आप चिकन का कोई भी सालन बनाएं कभी भी उसको ढका मत करें हमेशा खोल के पकाएं जब तक उसके अंदर पानी है तो जब तक वहाँ पे सारा पानी जो है वो ड्राई हो रहा है यहाँ पे जो है वो आप देख लीजिए कि मेरे पास हरी मिर्चें हैं कोकोनट पाउडर है और तिल है और दही है तो जी कोकोनट पाउडर और तिल जो है वो टिपिकल हैदराबादी डिशेस का एक कॉम्बिनेशन होता है इसमें खशखश भी होती है मूंगफली भी होती है अगर आप चाहें तो पीस के वो भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पे जो है वो सिर्फ यही इंग्रेडिएंट्स रखे हैं दही को मैंने फेंट लिया है और इसके अंदर मैं गरम ग्रेवी डाल रही हूँ थोड़ी थोड़ी करके इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी उससे ये होगा कि जो दही का टेम्परेचर है वो बिल्कुल ही नॉर्मल रूम टम्परेचर बल्कि वार्म हो जाएगा और जब आप इसको कढ़ाई में शामिल करेंगे ना तो इसके वाइट वाइट से स्पेक्स नहीं बनेंगे तो बस छोटी सी टिप है कभी कभी काफ़ी हेल्पफुल होती है फुल आंच पे जो है वो इस वक्त कढ़ाई पक रही है और जब टमाटर का पानी ड्राई हुआ मैंने दही शामिल कर दिया है अब दही का पानी ड्राई हो रहा है साथ में ही मैं इसके अंदर कोकोनट का पाउडर तिल और हरी मिर्चें शामिल कर दूंगी ये वाली हरी मिर्चें जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिर्चों वाली नहीं होती मतलब स्पाइसी नहीं होती मगर इनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और मेरे जैसे लोग जो सालन में मिर्चें ढूंढ के खाते हैं उनको बड़ा मज़ा आता है जब ये खाने को मिलती है तो बस जी यहाँ पर जो है वो कढ़ाई अच्छी तरह से जो है वो पक पकड़ेगी और आप देख लें मैंने उसे सिर्फ हाफ़ कवर किया था कुछ धनिया के जो डंठल हैं जिनको डंडियाँ कहते हैं उन्हें मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है कि पकाने के दौरान में शामिल कर दूँगी इससे ये सॉफ्ट भी हो जाएंगे और कढ़ाई में बड़ी अच्छी खुशबू आ जाएगी लेकिन कुछ धनिया जो कि पत्तियाँ हैं और हरी मिर्चें अदरक लेमन के वेजेस ये सब जो है वो मैं अलग रखूँगी और मैं सर्विंग के टाइम पे इसको यूज़ करूँगी यहाँ पे जो है वो हाफ़ लेमन को मैंने स्क्वीज़ कर लिया था और इसका जो रस है वो भी मैं उसमें शामिल कर दूँगी तो अब आप देख लीजिए कढ़ाई फुल आंच पे बिल्कुल खुला पक रही थी गोश्त अच्छी तरह से तकरीबन गल गया हुआ है इसके अंदर मैंने लेमन जूस डाला है पानी जो है इसमें अब बहुत ज़्यादा नहीं है अब ये सारा मसाला ही है अब आपने इसको कितना रिड्यूस करना है ये आपके हाथ में है मैं इसको अब पाँच से दस मिनट जो है वो ढक के पकाऊंगी ताकि इसका सारा ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए तो जी अब पाँच या दस मिनट का मेरे पास टाइम था मुझे पता था अब चिकन ने जो है वो थोड़ा सा सिमर करना है उतनी देर में मैंने अपनी चाय रख दी ताकि दस मिनट में वो ज़बरदस्त किस्म की चाय भी बन जाए और एक पंथ दो काज जैसे जैसे खाना पकेगा साथ साथ चाय भी बन जाएगी और फिर हम आराम से बैठ के चाय पियेंगे तो अब जो नेक्स्ट आपको क्लिप नज़र आएगा उसमें एक चीज़ मिस हो गई शायद मैं रिकॉर्ड करना भूल गई कि बिल्कुल एंड में जब ये सेपरेट हो गया सारा कुछ और मैं जाने लगी तो मैंने इसके ऊपर भुना हुआ कुटा हुआ जीरा भुना हुआ कुटा हुआ धनिया पाउडर थोड़ा सा टोमेटो कैचअप और ये जो ऊपर से डल रहा है ये गरम मसाला ये मैंने इसके ऊपर से डाल दिया था और इसको मैं इसी तरह से ले गई थी अब जब मैं वहाँ जाऊँगी वहाँ पे गरम करूँगी तो फिर मैं ये सारी चीज़ें मिक्स कर लूँगी कहने को बहुत मामूली स्टेप है लेकिन यकीन करें पूरा आपका जो कढ़ाई का लुक है और फ्लेवर है वो टोटली चेंज हो जाता है और पिछले व्लॉग में मुझे किसी ने कहा था ईद के कपड़े नहीं दिखाए आपने तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़रूरी बात होती है जिसके पास जो कपड़े हैं वो अच्छे तरीके से पहने और इन्जॉय करें लेकिन फिर भी काफ़ी सारे मैसेजेस थे तो जी ईद मिलन पार्टी है तो मैंने ये खाडी का कुर्ता अपने लिए निकाला था और ये बहुत प्लेन था तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक नेकलेस पहन लूँगी तो ये थोड़ी ईद वाली वाइफ से और बाकी ये बच्चों के कपड़े हैं तो बस जी यहाँ पे हमारे कपड़े स्त्री हो गए ऊपर हमारी कढ़ाई बिल्कुल पक के तैयार हो गई थी हमने अब तैयार होना था और निकल जाना था अपनी दोस्त की तरफ और शायद मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारे जो है वो फ्रेंड के घर में ईद मिलन पार्टी थी और वो पॉट लग थी वन डिश थी यानी कि सब लोग मिल जो है वो अपना अपना खाना लेकर आएंगे और मिलकर इंजॉय करेंगे बैठ के खाएँगे और रमज़ान के जो वाइब्स हैं उन्हें रिवाइव करेंगे और इस बच्चे को देखें कितना एंजॉय कर रहा है वन व्हील पे जो है वो इतने कर्तब दिखा रहा था और मैं सोच रही थी कि भाई बहुत प्रैक्टिस है इसकी तभी इतना एंजॉय कर रहा है और हम लोग भी सुपर एक्साइटेड थे क्योंकि रमज़ान के बाद का एक वीक जो है वो थोड़ा सा डाउन गुजरा रमज़ान के जाने से भी आप थोड़े से अफसरदा हो जाते हैं तो बस अब हम खुश थे कि अब हम जा रहे हैं अपने फ्रेंड से दोबारा मिलने के लिए और आप लोग सुना है कि आप लोगों के ईद के बाद का वीक कैसा गुजरा आप यकीन करें मेरा ये वीक इतना टायरिंग था एक तो मैं उदास बहुत थी मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि रमज़ान चला गया और उसके बाद आई डोंट नो मैं क्यों इतनी थकी हुई थी तो पूरा हफ़्ता काफ़ी थकान में गुजरा ये वीकेंड जो हमारा वनडेज का वीकेंड था आप समझे कि इसके बाद जो है ना हम थोड़े नॉर्मल हो गए और आप लोगों में से कोई अगर अपने घर में ईद मिलन पार्टी करता है या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ ईद मिलन पार्टी करता है तो ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताइएगा और थोड़ी सी डिटेल भी बताइएगा कि किस तरह की पार्टी होती है पॉटलक होता है वनडिश होती है या कोई एक आदमी अपने घर में कोई ज़बरदस्ती पार्टी कर लेता है तो ज़रूर मुझे इसके बारे में बताइएगा और जी यहाँ पर सब लोग बड़े मज़े के खाने लाए हुए थे यहाँ पर है पाए और पाए के साथ यहाँ पर पड़ी हुई है बिरयानी और बस देख के ही मुँह में पानी आ रहा था और रमज़ान के बाद जो ईद की दावतें खाई और उसके बाद जो एक हफ़्ता घर में बैठे तो बस थोड़े से ना डाउन हो गए थे दिल चाह रहा था कि दोबारा सबकी शक्लें देखें और मिलें आप में से कितने लोग जो हैं वो शवाल के रोज़े रख रहे हैं अगर रख रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा बहुत ही उन रोज़ों का जो है ना वो सवाब मिलता है पूरे एक साल रोज़े रखने का सवाब होता है तो अगर जिस किसी में हिम्मत है ताकत है और वो रोज़े रख सकता है तो ज़रूर शवाल का महीना अभी चल रहा है ज़रूर रखिए छः रोज़े और यहाँ पर देख लीजिए जी, जी जो कढ़ाई है उसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया था सारे मसालों को और उसके बाद जो है वो उसके ऊपर आप जो है वो गार्निश कर लीजिए जो चीज़ें आपने काट के रखी हुई इतनी अदरक धनिया हरी मिर्चें तो इसमें जो है वो ज़रा खूबसूरती आ जाएगी और लेमन का जूस मैंने आपके सामने इसके अंदर डाला ही था लेकिन उसके बावजूद मैं इसके ऊपर थोड़े से लेमन वेजेस भी डालूंगी तो अच्छा होता है ज़रा ब्राउन कलर की कढ़ाई पे येलो कलर के लेमन अच्छा कंट्रास्ट वाला इफ़ेक्ट देते हैं और यहाँ पर आप देख लीजिए क्या ज़बरदस्त किस्म का मेन्यू है यहाँ पर पिज्ज़ा है और इस तरह की गैदरिंग में अगर आप पिज़्ज़ा और पास्ता का इंतज़ाम कर लेते हैं ना तो बच्चों के लिए बड़ी आसानी हो जाती है और स्पेशली चीज़ पिज़्ज़ा क्योंकि बच्चे जो हैं वो बड़े पिकी होते हैं हर तरह की सब्ज़ी हर बच्चा खाता नहीं है तो चीज़ पिज़्ज़ा होता है तो बड़ी आपको तसली हो जाती है कि हर बच्चे ने कम अज़ कम एक एक स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा तो खाया हो तो जब भी आप पिज़्ज़ा या पास्ता का इंतज़ाम करें तो बिल्कुल इतना किया करें कि बच्चों का पेट अच्छी तरह से भर जाए क्योंकि हमारी जो मेन डिश थी ना वो थी पाए और पाए आपको पता है बड़ों के तो बहुत फेवरेट होते हैं लेकिन बच्चों का नहीं पता होता कि वो पाए में अब रोटियाँ डुबो डुबो के खाएंगे या नहीं खाएंगे लेकिन जी हमने बड़े शौक़ से खाई और बड़ी ज़बरदस्त बिरयानी थी चने थे चने के साथ जो है वो सूजी का हलवा भी था पाए थे चिकन कढ़ाई थी मैक्रोनी थी और पिज्ज़ा था

और जी खाने के साथ जो है वो सारी खातान एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करी थी आपने ये बहुत अच्छा बनाया आपने ये बहुत अच्छा बनाया और जी अलहमदिल्ला कढ़ाई भी बहुत अच्छी बनी थी अगर आपने आज से पहले कभी भी खोपरा और तिल डाल के कढ़ाई नहीं बनाई है तो ज़रूर बनाइएगा आपकी रेगुलर कढ़ाई में भी जो है वो बहुत सा टेस्ट आ जाएगा तो भाई जी आप सब ने मिल जो है वो खाना खाया मुझे किसी ने पिछली दफ़ा मैसेज किया था कि आप पूरा बफ़े तो दिखाती हैं मगर कहाँ बैठ के खाते हैं ये नहीं दिखाती तो ऑब्वियसली डाइनिंग टेबल पे जब आप पूरा बफ़े सेट कर लेते हैं तो आप वहाँ पर चेयर्स पे, पे बैठ के तो नहीं खा सकते तो फिर हम लिविंग रूम में या जो भी पाकिस्तान में जिस तरह से ड्राइंग रूम कहते हैं वहाँ पे बैठ के जो है वो सब लोग खा लेते हैं मरदाना अलग होता है जनाना अलग होता है तो सब अपनी अपनी मज़े मज़े की बातें करते हैं और खाना खाते हैं और यहाँ पर जी मीठा सर्व हो गया है और इस मीठे में जो है वो बिस्कॉफ का मीठा था बहुत ज़बरदस्त उसके अलावा जो है मैं लेके गई थी सवैयाँ और सूजी का हलवा तो बस और क्या चाहिए एक अंग्रेज़ी मीठा था बाकी देसी मीठे थे तो जिनको जो मीठा पसंद है उन्होंने शौक़ से खाया और जी यहाँ पे मेरी फ्रेंड ने जो है वो चॉकलेट को मेल्ट किया और उसके अंदर प्रेज़ल्स को जो है वो क्रश करके डाल दिया तो बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का मीठा और सॉल्टेड सा जो है वो एक डिज़र्ट बन गया खा के बहुत मज़ा आया उसके बाद हमने पी चाय और चाय पीते पीते जो है वो बच गए रात के बारह और सबने सब ने सबको खुदाफ़िज़ किया अब हम निकले हैं घर से तो अल्लाह ताला ये बहारें कायम रखे और इसी तरह से मिलना जुलना जो है वो क़ायम और दायम रहे खैर वाफियत से मिलते रहें तो जी ईद की दावतें भी अब फाइनली ख़त्म हो गई हैं तो देखते हैं कि अब नेक्स्ट मुलाकात कब होगी आज का व्लॉग अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अपने कामेंट्स ज़रूर दिया करें मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगता है इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मस्ट है अल्लाह ताली आपको आसानियाँ दे और दूसरों को आसानी देने का शर्फ बख्शे अल्लाह हाफिज़